पड़ोस वाली आंटी एक कढ़ाई में तेल को गरम करके चाय छन्नी को उसके अंदर डाल रही थी। तो मैंने कहा, आंटी ये क्या कर रही हो? कि देखो बेटा, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ और इसे पूरी वीडियो को देखिएगा। आज ना मैं एक लाइट खाना बना रही हूँ, बिल्कुल हैवी खाना नहीं बनाना है मेरे को। तो आज मैं लाइट खाने में बना रही हूँ मेदू बड़ा। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स, बनाने में भी इजी है और खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने ली है ये उड़द की धुली हुई दाल, जो ये होती है ना, जिनका उड़द जो होते हैं जिनके ऊपर छिलका होता है, बस ये वही दाल है पर इनका छिलका नहीं है। तो ये उड़द दाल ली है मैंने 1 कप। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो करके रख दी थी। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये फूल गई है। इस तरीके से हम तोड़ेंगे ना तो ये टूट जाएगी। तो बस इसी तरीके से हमें भिगो करके रख देनी है। मैंने 1 कप दाल ली है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब ये दाल अच्छी तरीके से फूल जाएगी तो हम इसको छान लेंगे। तो चलिए मैं इसे छान लेती हूँ एक चन्नी के मदद से। तो ये लीजिए, ये मैंने छान ली है, इसका पानी निकलने देते हैं। जब इसका पानी निकल जाएगा हम लेंगे एक मिक्सर जार। मिक्सर जार में हम डालेंगे इस दाल को और दाल के अंदर पानी बहुत कम डालेंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी तो ही हम 1 से 1.5 चम्मच पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, नहीं तो हम अपने को दाल को इसी तरीके से पीस लेंगे। चलिए मैं दाल पहले से डाल लेती हूँ। तो एक बार में नहीं पीसूँगी मैं, क्योंकि ये ज़्यादा दाल है तो मैं इसलिए इसे 2 बार में पीसूँगी। और दाल को ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा इसको रखना है। तो चलिए मैंने दाल कर ली है, मैं अब इसको पीस लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने दाल को अच्छी तरीके से पीस लिया है। तो मैं इसमें 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें पानी डाल करके इसको पीसा है और देखिए बिल्कुल एकदम बारीक नहीं पीसी है इसको, थोड़ा सा दरदरा मैंने रखा है। चलिए इसे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे पानी, बस जितना ज़रूरत हो पीसने में उतना ही डालिएगा, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए इसी तरीके से मैं और दाल को भी पीस लेती हूँ। तो ये लीजिए मैंने दूसरी दाल भी पीस करके तैयार कर ली है। अब हमारी दाल तो पीस करके हो गई है रेडी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब ये दाल अच्छी तरीके से फिट जाएगी ना, ये देखिए ये कितनी दरदरी दाल है। तो बस हाथों की मदद से इसे थोड़ा सा फेंट लेना है आपको 5 से 7 मिनट के लिए। ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा ये दाल का बैटर, तो इससे हमारे बड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। पाँच से सात मिनट के लिए मैं इसे पहले फेंट लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, 5 से 7 मिनट के बाद में ये बैटर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसकी सही पहचान है ये, बिल्कुल देखिए ये इस तरीके से हो गया, जैसे व्हिप्ड क्रीम होती है ना केक की, बिल्कुल लाइट इस तरीके से दिख रहा है। और मैं आपको इसका एक आसान तरीका बताती हूँ। एक कटोरी में हम लेंगे पानी और जो हमने ये 5 से 7 मिनट के लिए बैटर फेंटा था ना, उसको इस तरीके से पानी में डालेंगे। तो ये देखिए इसकी असली पहचान है, जब हम इसके दाल के बैटर को पानी के अंदर डालते हैं तो वो नीचे बैठता नहीं है, ऊपर आ जाता है। तो इसकी ये सही पहचान है, एकदम फ्लफी और लाइट हमारी ये मेदू वड़ा बनेंगे। तो चलिए अब हम इसमें कुछ और मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ थोड़ा सा अदरक। अदरक को मैं इस पर कद्दूकस कर लेती हूँ, आप इसे बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं और आपकी इच्छा है, अगर आप इसमें अदरक नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने 1 चम्मच के लगभग अदरक को कद्दूकस कर लिया है। इसी के साथ आप इसमें हरी मिर्च और जीरा भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं ये सब चीज़ें नहीं डालूँगी, मैं सिंपल तरीके से बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने 1/4 टेस्पून लिया है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, जो खाने वाला सोडा है तो होता है ना, बस वही लिया है, इसको भी डाल देंगे। इसी के साथ हम लेंगे नमक।
तो यहाँ पे आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। और मैंने लिया है यहाँ पे हरा धनिया, आप चाहे तो इसमें कड़ी पत्ता डाल सकते हैं और हरा धनिया भी डाल सकते हैं, और चाहे तो इसके अंदर हींग भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ, तो बस इन्हीं को मैं ऐड कर लेती हूँ। और ये देखिए कितना फ्लफी है ये, जब आप इसे बनाएंगे ना तो यकीन मानिए आपको भी बिल्कुल इसी की फील आएगी कि ये मेदू वड़ा नहीं व्हिप क्रीम बना रहे हैं। चलिए यहाँ तक की प्रोसेस तो हमारी हो गई है तैयार, अब पढ़ते हैं फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने तेल रख दिया है फ्राई होने के लिए, तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं लेती हूँ एक छन्नी, ये चाय छानने वाली छन्नी है, इसे हम क्या करेंगे या तो इस तेल में इस तरीके से तेल लगा लेते हैं और इसके ऊपर जो हमने ये मेदू वड़ा का बैटर बना के रखा है वो डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल लगा लिया है छन्नी पे, अब हम क्या करेंगे ये बैटर लेंगे और इस तरीके से रख देंगे। आपको जौन सा भी इजी तरीका लगे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं आपको ये दो तरीके बताने वाली हूँ, एक तो इस तरीके से रखेंगे और पानी लगाएंगे हाथों पे और इस तरीके से एक इसमें होल कर देंगे और चारों साइड से पानी की मदद से इसको प्लेन कर देंगे और बस इसे छन्नी को तेल के अंदर इस तरीके से तेल के अंदर को हम कर देंगे। तो ये इस तरीके से छन्नी में से हट जाएगा और इसे हम सेक लेंगे दोनों साइड से, गैस की फ्लेम कम ही रखेंगे वरना क्या होगा कि ये बाहर से तो जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए कितने फ्लफी बन रहे हैं हमारे ये बड़ा। अब देखिए एक तरीका तो मैंने बता दिया, दूसरा तरीका है अपने हाथों पे दोनों पे इस तरीके से पानी लगाएंगे और इस तरीके से ये बैटर रखेंगे हाथों में और एक उंगली से इस तरीके से इसमें होल कर देंगे और बस दूसरे हाथ से इसको इस तरीके से तेल में डाल देंगे। तो आपको जौन सा भी इजी लगे वही आप बना सकते हैं। वैसे सबसे इजी जो है ना ये चन्नी वाला ज़्यादा है, तो उससे ना ही हाथ जलने का खतरा रहता है। ये देखिए छन्नी वाला ये इस तरीके से बन करके तैयार हो गया है और एकदम फ्लफी बने हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगी इन्हें, ये देखिए ये हाथों से बनाया हुआ है। छन्नी वाले पे बस पानी लगाइएगा, पानी से इजी छूट जाता है ये, और इस तरीके से रखिएगा और इसमें एक होल कर दीजिए। होल करने के बाद में बस इसे सीधा तेल पे इस तरीके से डाल दीजिए। बिल्कुल डोनट की तरह हमारे ये बन करके तैयार हो गए हैं। ये देखिए हाथों वाला जो हमने हाथों से बनाया था वो भी एक अच्छे तरीके से बन गया है, फ्राई हो चुका है और अब इन्हें भी अच्छे तरीके से फ्राई होने देते हैं। अलटते पलटते हुए इन्हें सेक लेंगे इसी तरीके से। मेदू वड़ा तो हमारे बन गए हैं, अब आपको इन्हें चटनी के साथ या सांभर के साथ या बिना चटनी सांभर के भी इसे खा सकते हैं। तो मैं आज आपको ये दोनों तरीके से बताने वाली हूँ। तो ये लीजिए मैंने और भी फ्राई कर लिए हैं। तो ये लीजिए देखिए हमारे ये कितने करारे वड़ा बन करके तैयार हुए हैं और इनका देखिए कितने क्रंची बने हैं ये। अब आपको ये अगर चटनी के साथ पकौड़े की तरह खाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से खा सकते हैं। ये लीजिए हमारे ये गर्मा गर्म वड़े बन करके हो गए हैं तैयार, आप इस तरीके से खा सकते हैं या फिर मैं आपको दूसरा तरीका दिखा देती हूँ। ये मैंने दूसरी प्लेट ले ली है और इसी के साथ मेरे रख लिए हैं दो वड़ा और मेरे पास है सांभर,
बस इसके ऊपर सांभर इस तरीके से लेंगे और ये लीजिए, आप इसे इस तरीके से भी एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा इसे गार्निश कर देते हैं हरे धनिए के साथ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आपको जौन सा भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए बस गर्मा गर्म जब आप इसे सांभर के अंदर डालेंगे तो ये इतने सॉफ्ट है। ये देखिए तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तो चली इन्हें एंजॉय करने। आप बनाइए, खाइए और दूसरों को भी खिलाइए, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।